प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम दूसरा यूहन्ना कलम 9 पढ़ते हैं, तब आप प्रार्थना पूर्वक सुनिए। 2 John 9, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आयत आशीष दे। बहुत गहराई की एक कलम हम यहाँ देख सकते हैं। मसीह की शिक्षा, नहीं तो मसीह की उपदेश, ये उपदेश हमको क्या देते हैं? सबसे पहली बात, मसीह की उपदेश के द्वारा परमेश्वर की पहचान होती है। मसीह की उपदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम पिता के पास जाने की मार्ग पता चलते हैं। और प्यारो, यहाँ आप देख सकते हैं, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। अर्थात जो कोई मसीह की उपदेश में रहते हैं, उसी के पास है परमेश्वर। आज दुनिया में ईश्वर को ढूंढने वाले बहुत हैं, बहुत ढूंढते हैं ईश्वर को, कहाँ पा सकते हैं, दर्शन कहाँ मिल सकते हैं करके दुनिया भर के लोग ईश्वर के तलाश में है, ईश्वर के दर्शन पाने के लिए ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं और उस शिक्षा में, उस उपदेश में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। एक कार्य, एक सच्चाई को हम सीख सकते हैं। एक बड़ी सबक है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई भी जानकारी अवश्य है तो निश्चित रूप में यीशु मसीह की शिक्षा में, उपदेश में हम ध्यान पूर्वक लेना और सीखना अत्यंत अवश्य है। दूसरी भाषा में, जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा सुना, पढ़ा, ग्रहण किया, उसी के पास परमेश्वर है। अर्थात दुनिया में इंसान परमेश्वर के पास आने के लिए और परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलने के लिए निश्चित रूप में मसीह के ओर से उसको
जानकारी और शिक्षा नहीं तो उपदेश मिलना अत्यंत अवश्य है। उसका एक कारण है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत में आया परमेश्वर के बारे में दुनिया को बताया। तब तक दुनिया परमेश्वर के बारे में बिल्कुल अंधेरा में था, कोई जानकारी नहीं था। दुनिया में ईश्वर की तलाश बहुत था, ईश्वर के बारे में लोग ढूंढते थे और ईश्वर के बारे में तपास करते थे और उनके बारे में सीखते थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं था। प्यारो, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकते हैं, मैं और पिता एक हूँ, जो मुझको देखा पिता को देखा। प्यारो, सच्चे परमेश्वर की जानकारी के लिए यीशु मसीह के उपदेश में रहना अत्यंत अवश्य है। और यहाँ बढ़ते हैं यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ते कुछ लोग और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। यीशु मसीह के उपदेश सुनने के लिए तात्पर्य नहीं है। यहूदियों का समस्या ये था, यहूदी यीशु मसीह की शिक्षा को, उपदेश को स्वीकार करने में तात्पर्य नहीं था। उनकी वचन को सुनकर ठोकर खाया, क्योंकि वो लोग सोचा, ये कौन है, ये सुधार के लड़का हमको क्या सिखाएंगे, ये नासरत से आए हुए, ये मछुओं की मित्र हमको क्या सिखाएंगे, साधारण मनुष्य है, इसका क्या उपदेश है। इसलिए बहुतायत लोग उनके उपदेश में ठोकर खा के परमेश्वर के पिता की जानकारी की ओर नहीं आया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, यीशु मसीह का शिक्षा से नहीं रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका शिक्षा में अधीन में रहना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसका मतलब उसको छोड़कर, उसकी शिक्षा को छोड़कर, अपने आप बहुत पंडित समझकर, जानकार समझकर, निपुण समझकर आगे बढ़ते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत शास्त्री लोग ऐसे थे, बहुत परीक्षित लोग ऐसे थे और बहुत आगेवान लोग ऐसे। आज भी दुनिया में बहुत ऐसे जाने माने लोग हैं। यीशु मसीह का शिक्षा के अधीन में वो सच्चाई में आने के लिए बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। तो प्यारो, दो कार्य हमको सीखने को मिलता है। एक ये है, यीशु मसीह की शिक्षा को सीखना और उसमें रहना, और उनके जीवन की कल्याण है। कारण, उनके पास परमेश्वर है। जिन व्यक्ति यीशु मसीह का उपदेश को स्वीकार किया, उसका उपदेश क्या है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा प्राप्त हो ताकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो मसीह ने अपने जीवन पापों की क्षमा के लिए, सारे जगत के लिए अर्पण किया। उनका उपदेश और उनका जीवन हमारी पापों की क्षमा और परमेश्वर के पास जाने की रास्ता है, मार्ग है। मसीह मार्ग है, मसीह जीवन है, मसीह सच्चाई है। ते उपदेश में रहना अत्यंत अवश्य है, और बहुत लोग ये नहीं स्वीकारते हैं, ये शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास, बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन हम यूँ पढ़ा है, उनके पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। प्यारो, आज सुबह तीन महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हम सीख सकते हैं। जिन व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलना चाहिए, मसीह के पास आना पड़ेगा, उनके उपदेश को स्वीकार करना पड़ता है। और जिन व्यक्ति के पास पिता और पुत्र होने के लिए, पुत्र और पिता उनके पास रहने के लिए, ये उपदेश को अत्यंत अवश्य स्वीकार करना पड़ते हैं। प्यारो, हम अपने आप को आज सुबह सोचेंगे और हम अपने आप को जांच करके देखेंगे, क्या मैं मसीह के उपदेश में
स्थायी रहते हैं और क्या में आगे बढ़ते हैं। और प्रभु का वचन स्पष्ट हमको बताते हैं, यूहन्ना बताते हैं, जिनके पास मसीह का उपदेश है उनके पास परमेश्वर भी है, उनके पास पिता भी है, उनके पास प्यारा पुत्र भी है। जिनके पास पुत्र है उनके पास पिता भी है, जिनके पास पिता है उनके पास परमेश्वर है। प्यारो, त्रिये का परमेश्वर इस सच्चाई को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट करने के लिए सहाय करे। हम परमेश्वर के संतान हैं तो निश्चित रूप में पुत्र को स्वीकारा है, पुत्र को स्वीकारे तो उनके उपदेश की अधीन में रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये मसीह की।